कक्षा 12 विषय हिंदी। बेटा आप लोगों का कल हमने चौथा जो पाठ था वो शुरू करवा दिया था बिहारी सतसई से कुछ पद, जिसके कवि हैं बिहारी दास जी। कल हमने उनके जीवन परिचय के बारे में बात की कि कवि बिहारी दास जी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है वो 1663 ईस्वी में हुई। रीतिकाल के ये श्रेष्ठ कवि थे और मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार के अंदर आश्रित थे, अर्थात उनके दरबार में रहा करते थे। और इनकी एकमात्र जो रचना है वो बिहारी सतसई है। सतसई को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 700 दोहे हैं, तो इसलिए सतसई के नाम से जानी जाती है। बिहारी सतसई के अंदर नीति, भक्ति और श्रृंगार, उन सभी से संबंधित दोहे उन्होंने लिखे हैं। आपके इस पाठ के अंदर उनके नीति के, भक्ति के और श्रृंगार से, श्रृंगार का अर्थ होता है सौंदर्य, अर्थात इन तीनों से संबंधित दोहे उन्होंने दिए हैं। तो भक्ति और नीति और श्रृंगार के दोहे कौन कौन से? भक्ति, नीति एवं श्रृंगार, इनके क्या दिए हैं? दोहे दे रखे हैं। तो हम आज पहला जो दोहा है वो शुरू करते हैं। पहला दोहा जो है वो भक्ति का है, अर्थात कवि गहरी दास जी राधा जी की आराधना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी इन सांसारिक बाधाओं से मुझे मुक्ति दिलवाइए। तो उनसे निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, देखिए क्या कहते हैं। पहला जो दोहा है उसमें कहते हैं कि मेरी बहुत बाधा हरो, मेरी बहुत बाधा हरो राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, अरे जातन की झाई परे, जातन की झाई परे श्याम हरित, श्याम हरित युकी होई। तो देखिए क्या कहते हैं कवि बिहारी दास जी राधा जी से कि मेरी भव बाधा, भव का मतलब होता है संसार, संसार, अर्थात कवि बिहारी राधा जी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, अर्थात हे राधिका जी, मेरी जो सांसारिक बाधाओं हैं उन सांसारिक बाधाओं से मुझे क्या करवा दीजिए? मुक्त करवा दीजिए, अर्थात सांसारिक बाधाओं से मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए। राधा नागरी सोई, नागरी का मतलब होता है चतुर, नागरी का मतलब क्या होता है? चतुर, अर्थात हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं से क्या करवा दीजिए? मुक्ति करवा दीजिए, अर्थात मुक्ति दिलवा दीजिए। जातन की झाड़ी परे, अर्थात आगो कहते हैं कि जातन, अर्थात आपके शरीर की, तन का मतलब शरीर, झाई का मतलब होता है झलक, अर्थात आपके शरीर की झलक मात्र पड़ने से, आपके शरीर की झलक मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति होई। श्याम का मतलब कृष्ण, हरित दुति, हरित दुति का मतलब हरि कांति वाले, हरि कांति वाले, होई का मतलब हो जाते हैं, अर्थात आपके शरीर की झलक मात्र पड़ने से श्री कृष्ण जो है वो भी क्या हो जाते हैं? हरि कांति वाले हो जाते हैं। तो इसलिए हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं से क्या करवा दीजिए? मुक्त मुझे करवा दीजिए। और ऐसा कहा भी जाता है कि सुनहरे रंग के अंदर जब श्याम रंग को मिलाया जाता है तो दोनों मिलकर के क्या देते हैं? हरे रंग का निर्माण करते हैं, हरा रंग बनता है उससे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपकी शरीर की जो झाई मात्र पड़ने से, झलक मात्र पड़ने से श्री कृष्ण जो है वो भी क्या हो जाते हैं? हरित दुति, अर्थात हरी कांति वाले हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं या प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं से क्या करवा दीजिए? मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए या मुझे मुक्त कर दीजिए। अगले पद के अंदर
अभी बिहारीदास जी कहते हैं कि तो पर मारो उर्वशी, अर्थात मैं आपके ऊपर हे राधिका जी स्वर्ग की अप्सरा जो उर्वशी है उस उर्वशी को भी क्या कर सकता हूँ, नछावर कर सकता हूँ, क्योंकि आप जो हैं वो श्री कृष्ण के हृदय के अंदर बसने वाली हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी नछावर कर सकता हूँ। दूसरे पद में देखिए वो क्या कहते हैं कि तो पर मारो उर्वशी, तो पर मारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, सुनी राधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान, हवे उर्वशी समान। तो देखिए कभी बैरदास जी क्या कहते हैं राधिका जी से, तो पर वारो उर्वशी, अर्थात हे राधिका जी मैं आपके ऊपर स्वर्ग की जो अप्सरा है उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी का अर्थ है उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा, तो हे राधिका जी मैं आपके ऊपर स्वर्ग की जो अप्सरा है उसको भी क्या कर सकता हूँ, वारो अर्थात वारो का मतलब न्योछावर करना, न्योछावर, तो मैं उसको भी आपके ऊपर क्या कर सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। सुनी राधिके सुजान, अर्थात हे चतुर राधिका जी आप मेरी इस बात को सुनिए, सुजान का मतलब ज्ञानी या चतुर, अर्थात हे चतुर राधिका जी मैं आपके ऊपर क्या कर सकता हूँ, स्वर्ग की जो अप्सरा उर्वशी है उसको भी आपके ऊपर मैं न्योछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, उर का मतलब हृदय, यहाँ तोड़ करके अर्थ दिया गया है, उनका मतलब हो गया हृदय, बसी का मतलब बसने वाली, अर्थात तुम जो हो वो श्री कृष्ण की, मोहन का मतलब कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण के क्या हृदय के अंदर बसी हुई हो, हवे उर्वशी समान, यहाँ उर्वशी हृदय को बसने करने वाली या हृदय के अंदर बसने वाली, हृदय को वश में करने वाली, तो तुम श्री कृष्ण के किस में हृदय के अंदर बसी हो, कैसे बसी हो, उनके हृदय को अपने बस में करने वाली के समान उनके हृदय के अंदर बसी हुई हो। दोबारा देख लेना क्या कहती है राधिका जी, तो पर वारो उर्वशी, अर्थात हे राधिका जी मैं आपके ऊपर स्वर्ग की जो अप्सरा उर्वशी है उसको भी क्या कर सकता हूँ, वारो अर्थात न्योछावर कर सकता हूँ, और सुन राधिके सुजान, अर्थात हे चतुर राधिका जी आप मेरी इस बात को सुनिए, तू मोहन के उर्वशी, अर्थात तुम जो हो वो कृष्ण के हृदय के अंदर बसने वाली हो, और कैसे बसने वाली हो, हवे उर्वशी समान, अर्थात उनके हृदय को अपने वश में करके और उनके हृदय में बसने वाली हो। तो इस प्रकार से उन्होंने राधिका जी की आराधना की है इन दो पदों के अंदर। अगला जो तीसरा पद है उसके अंदर जो कवि बिहारीदास जी हैं वो एक प्रकार से उनको चैलेंज कर रहे हैं, किसको, श्री कृष्ण को, जो कि उनकी आराध्य हैं उनको वो दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि भाई मेरा जैसे पतित आदमी का क्या करेंगे, उद्धार करें, उद्धार कर दीजिए, तब मैं जानूं कि वास्तव में आप लोगों का क्या है, उद्धार करने वाले हैं। तो देखिए तीसरे पद में क्या कहते हैं कि बंधु भय का दीन के, बंधु भय का दीन के को तारो रघुराई, को तारो, को तारो रघुराई, को तारो रघुराई, तूठे तूठे फिरत हो, तूठे तूठे फिरत हो, झूठे विरत कहाई, झूठे विरत कहाई। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक
प्रकार से उलाहना दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को उनके आराध्य को कि बंधु भय का दीन के। बंधु का मतलब किसके आप भाई, बंधु का मतलब होता है भाई या सहायक का दीन, दीन का मतलब होता है गरीब निर्धन असहाय। तो आप किसके बंधु हैं, किस गरीब के आप बंधु हैं, किसके आप सहायक हैं। और को कार्यो रघुराई, कार्यो का मतलब उद्धार करना, उद्धार करना। तो आपने किसका उद्धार कर दिया हे प्रभु श्री कृष्ण, आप किसके तो क्या है भाई हैं, किसके आप सहायक हैं और किसका आपने क्या कर दिया उद्धार कर दिया है। टूटे टूटे फिरत हो, अर्थात टूटे टूटे का मतलब संतुष्ट होकर, संतुष्ट होकर। तो अर्थात आप संतुष्ट होकर फिर रहे हैं इस संसार के अंदर, क्या करके फिर रहे हैं संतुष्ट होकर फिर रहे हैं। झूठे द्रत अर्थात झूठा, झूठे का मतलब झूठा, द्रत का मतलब होता है यश, अर्थात झूठे यश को प्राप्त करके आप संसार के अंदर संतुष्ट होकर के क्या कर रहे हैं फिर रहे हैं। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जिन लोगों का उद्धार किया है वो वास्तव में क्या नहीं थे, दीनहीन नहीं थे, वो गरीब नहीं थे। आप मेरे जैसे व्यक्ति का अर्थात मेरे जैसे नीच और मेरे जैसे अधम व्यक्ति का आप क्या करके दिखाएं, उद्धार करके दिखाएं, तो तब मैं आपको मानूं कि वास्तव में आप लोगों का उद्धार करने वाले हैं। वरना आप तो इस संसार के अंदर झूठे यश को लेकर ही संतुष्ट होकर फिर रहे हैं कि मैं तो गरीबों का क्या हूँ, उद्धार करने वाला हूँ, उनका सहायक हूँ, उनका सहायता करने वाला हूँ। तो आप तो झूठे यश और झूठी प्रशंसा के अंदर ही संतुष्ट होकर के क्या कर रहे हैं फिर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला जो पद है उस अगले पद के अंदर उन्होंने गुरु श्री कृष्ण को ये कहा है कि आपको भी शायद लगता है इस संसार की जो हवा है वो लग गई है, अर्थात संसार के लोग जिस प्रकार से स्वार्थी होते हैं उसी प्रकार आप और किसी की ओर ध्यान नहीं देते दीनहीन की ओर, उसी प्रकार आपको भी शायद संसार की हवा लग गई और आप भी किसी दीनहीन की ओर नहीं देख रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं चौथे पद के अंदर, कब को टेर तू, कब को टेर तू दीन रट, होत न शाम सहाई, होत न शाम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाई, जग नायक जगबाई। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर कि कब को टेर तू, टेर तू का मतलब पुकारना, पुकारना, पुकारना। दीन रट अर्थात दीनहीन वाणी में, निर्धनों की वाणी के अंदर, रट का मतलब पुकारना हूं, कब से मैं आपको पुकार रहा हूं, होत न शाम सहाई, अर्थात हे कृष्ण आप मेरी क्या नहीं कर रहे सहायता, मतलब सहायता, अर्थात मैं कब से दीनता भरी वाणी के अंदर आपको पुकार रहा हूं लेकिन हे श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हु लागी जगत गुरु अर्थात तुमको शायद लग गई है, हे जगत गुरु अर्थात तुम जगत के ईश्वर हो, जगत के गुरु हो, जग नायक अर्थात इस संसार के क्या हो, नायक हो, इस संसार के प्रभु हो, जगबाई अर्थात जगबाई का मतलब सांसारिक हवा। तो हे प्रभु श्री कृष्ण आप क्या है, आपको शायद क्या लग गई संसार की जो हवा है वो सांसारिक हवा आपको भी लग गए हैं, इसलिए आप मेरी दीनता भरी वाणी को सुनने के बाद भी आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। दोबारा से देखेंगे बेटे कर कि कब को टेरे तू, टेरे तू का मतलब पुकार रहा था, पुकार रहा हूं मैं आपको, दीन रटा था दीनता भरी वाणी के अंदर, होत न शाम सहाई अर्थात हे प्रभु श्री कृष्ण आप मेरी सहायता नहीं कर रहे, आप मेरे सहायक नहीं हो रहे हैं। तुम्हु लागी अर्थात तुमको भी शायद लग गई है जगत गुरु अर्थात तुम जगत के गुरु हो, जगत के ईश्वर हो, जग नायक और इस जग के क्या हो, नायक हो, और जगबाई अर्थात सांसारिक हवा जो है शायद हे जगत गुरु हे जग के नायक आपको भी सांसारिक हवा लग गई है, जो आप क्या कर रहे हैं हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्धार नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ये जो पद थे ये भक्ति से संबंधित पद थे,
दो पदों के अंदर जो कवि बिहारीदास जी हैं वो राधा जी की भक्ति कर रहे हैं और अगले दो पदों में श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने उल्हाना दिया है एक प्रकार से श्री कृष्ण को। ये चार पद आपके इस पाठ के हो चुके हैं। अगला जो पद है पांचवा वो हम कल अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।